Hey guys, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिकल प्लैनेट पर। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं इतिहास की एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक जिसका नाम है इतिहास क्या है। ये बुक ट्रिनिटी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होती है और इंग्लिश मीडियम में भी आती है। तो इंग्लिश मीडियम में ये बुक आती है उसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, और ये पेगविन पब्लिकेशन द्वारा इंग्लिश मीडियम में प्रकाशित होती है। अब बात करते हैं इस बुक की क्वालिटी, इस बुक का कंटेंट, इस बुक का प्राइस, ये बुक हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें किस प्रकार से इस बुक की को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस प्रकार से ये बुक हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, इन सब बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इस बुक के कंटेंट और क्वालिटी की बात करें, जिसमें मैं क्वालिटी की बात पहले करना चाहूँगा कि बुक लगभग 130 पेज की पुस्तक है और इसका जो प्राइस है वो 159 रुपीज़ के करीब है। आप देख सकते हैं इसको, और काफ़ी पतली सी बुक है, तो पढ़ने में किसी भी इंसान को इसको पढ़ने में आसानी हो सकती है, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। और कंटेंट की बात करूँ तो इस बुक का जो है जो कंटेंट है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि बुक जो है ई एच कार के जो लेक्चर्स हैं उस पे बेस्ड है। देख सकते हैं आप, इतिहास और उसके तथ्य, समाज और व्यक्ति, इतिहास विज्ञान और नैतिकता, इतिहास में कार्य कारण संबंध, इतिहास प्रगति के रूप में और फैलते हुए क्षितिज। इस प्रकार 6 चैप्टर्स में ये बुक पूरी डिवाइड है और इसमें इतिहास का अन्य विषयों से संबंध, इतिहास क्यों जरूरी है, इतिहास इस बुक में मेनली हमको बताया गया कि इतिहास केवल नंबरों या तारीखों का आंकड़ा नहीं है, कि हम किस प्रकार से इस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करें। कि इतिहास में जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि यार इतने आंकड़े ही कैसे पढ़ेंगे, इतनी डेट्स हैं कैसे पढ़ेंगे। तो ये अस्कार हमको ये बताने की कोशिश इस बुक के माध्यम से करते हैं कि इतिहास केवल तारीखें नहीं हैं। हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है, जो कि इस बुक का मेन कोट है कि इतिहास क्या है। ये जो अतीत वर्तमान से बात करता है तो वही इतिहास है, और उसी के थ्रू हम इतिहास की समझ को विकसित करते हैं। इस बुक में ढेर सारे अपने समकालीन राइटर से, अपने से पहले के जो भी राइटर्स हैं उसके बारे में भी ई एच कार ने बताने की पूरी कोशिश की है कि उनकी इतिहास को लेकर के क्या मेंटेलिटी रही है, किस प्रकार से इतिहास जरूरी है और किस प्रकार से इतिहास जरूरी नहीं भी है, ये विज्ञान है कि कला है, इससे लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिबेट है। जैसे कि ग्रेजुएशन में हम लोग के बारे में पूछा जाता है ना कि मतलब कि बताइए इतिहास कला है, कि जैसे ब्यूरी का जो स्टेटमेंट है कि इतिहास जो है विज्ञान है, इतिहास कला है, इसके रिगार्डिंग जो है। तो इस बुक में काफ़ी अच्छे से हमको जानकारी दी गई कि इतिहास आखिर में है क्या। अब बात करते हैं कि ये बुक हम लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है। जब कभी भी हम अपना बैचलर्स करते हैं हिस्ट्री से या पीजी करते हैं तो हमको इतिहास को लेकर के, हिस्ट्री ज्योग्राफी को लेकर के एक बुक, कई बुकें पढ़ाई जाती हैं, कई बार ई श्रीधरन होती है तो कई बार जो है और भी कई किताबें होती हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन हम अक्सर गलती क्या करते हैं कि हम पढ़ने के चक्कर में इतिहास को समझना भूल जाते हैं, और जब हम इतिहास को समझना भूल जाते हैं तो हमको दिक्कत ये होती है कि हम आगे चल करके जब भी हम रिसर्च करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देते हैं, देखिए एग्जाम तो पास किया जा सकता है बुक पढ़ के, लेकिन अगर आपकी मेंटेलिटी डेवलप्ड नहीं है तो आप रिसर्च करने में बड़ी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको कहाँ से क्या शुरू करना है, कहाँ से क्या ख़त्म करना है। तो ये जो बुक है वो हमारा हिस्ट्री को लेकर के जो कोर कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। आप जब भी इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब कि जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो एक समझ विकसित हो रही होती है आपकी, और जब भी आप रिसर्च करने जाते हैं, मान लीजिए आपको आपके प्रोफेसर ने बुक रिव्यू दे दिया, तो बुक रिव्यू देने से क्या होता है कि आप जब बुक रिव्यू करने बैठेंगे तो आपको बुक को, जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, बीए ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वैसे ही आप जो है बुक को पढ़ डालेंगे, रिव्यू करने के टाइम पे आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, फिर रिव्यू करने क्या करना है, रिव्यू में क्या क्या होना चाहिए एक बुक में आपको समझ ही नहीं आएगा, और खासकर अगर हिस्ट्री की बुक है तो इस बुक को पढ़ने से खासकर आपको ये तो समझ में आएगा कि एक राइटर्स का इतिहास लिखने का मेन मोटिव क्या होता है, वो क्यों लिखना चाहता है इतिहास, और किस प्रकार से वो बायस्ड हो जाता है इतिहास लिखने में, या कैसे जो है वो पक्षपाती हो जाता है इतिहास को लेकर के, इसके रिगार्डिंग भी इस बुक में काफ़ी अच्छी जानकारी दी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं जो है। अब बात करते हैं इस बुक की कुछ खामियों की। सबसे पहली बात तो ये बुक प्राइस रेंज में तो अपनी इंग्लिश मीडियम वाली बुक से काफ़ी अच्छी, क्योंकि वो जो है पेगविन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होती है और 500 रुपए के करीब आती है।
ये 150 रुपीज़ के करीब की बुक है, लेकिन जैसा कि इसका प्राइस है वैसे ही इसमें थोड़ा सा जो कंटेंट है वो तो ठीक है, लेकिन इसका जो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इसकी फॉन्ट है वो पढ़ने में दिक्कत कर देती, काफ़ी बाबा आदम के ज़माने की फॉन्ट है, और 2019 का शायद इसका एडिशन है आई थिंक, वन मिनट मैं दिखाना चाहूँगा, ये एडिशन इसका 2019 का है, जिसकी वजह से ये बुक जो है हमको एडिशन तो ठीक ठाक है लेकिन जिस प्रकार से पब्लिश्ड हो रही है इसमें कोई करेक्शन नहीं किया गया कि इसकी फॉन्ट को लेकर के, और काफ़ी पुरानी फॉन्ट लगती है तो पढ़ने में आपको बोरिंग महसूस हो सकता है, कोई फिगर नहीं, कोई कुछ नहीं है इस बुक में, ये इस बुक की सबसे बड़ी खामी है। बाकी इस बुक का जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है, और मैं तो ये कहूँगा कि इतिहास के हर विद्यार्थी को ये किताब ज़रूर एक से एक बार पढ़नी चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे आपको इतिहास को समझने में मदद मिलेगी, और जो कि एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए और रिसर्च के लिए, सबके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब रही बात ये बुक हमको मिल कहाँ से सकती है, देखिए अमेजोन पे ये जो बुक है वो 170 रुपीज़ के करीब है, प्लस 60 रुपीज़ के करीब जो है उसमें जो है डिलीवरी चार्जेज हैं, जो कि काफ़ी महंगे, क्योंकि इसका प्राइस जो है 160 रुपीज़ है, तो आप इसको जो है किसी बुक स्टोर से परचेज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या किसी अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अलावा जो कोई अन्य थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं आप उससे मंगा सकते हैं, तो काफ़ी आपको सस्ती मिल जाएंगी और आपका काम भी हो जाएगा, अच्छी बुक मिल जाएगी। अगर इसका PDF चाहिए होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस चैनल में रहता है ना, उससे जो मैं इसको उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारी इस बुक का रिव्यू कि इतिहास क्या है, और भी जिन किताबों के रिव्यू आपको चाहिए उसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा उनका रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। तो ये रहा मेरा इस बुक का रिव्यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली बार एक नई बुक के साथ, थैंक यू।